ये आकाशवाणी नागपुर है। शताब्दी के नाम, लीजिए सुनिए ये नाटक। लेखक हैं ललित किशोर चौरसिया और प्रस्तुतकर्ता उबैद नियाजी। शताब्दी के नाम। बड़ी देर की मेहरबान, आते आते। इतनी देर कहाँ लगा दी? भीतर नहीं आने दोगी? ओ सॉरी, आइए ना, बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ओके, लीजिए चाय पीजिए। थैंक्स। तुम नहीं पियोगी? बहुत इंतजार के बाद अकेली पी चुके, अब अकेली पीने की आपकी बारी है। अच्छा भाई, मत पियो, पास तो बैठो। लीजिए, आ गई। अब ये बताइए, इतनी देर क्यों लगा दी? एक औरत का मामला था। फिर? उस औरत को एक शिकारी ने जबरन अपने कंधों पर लाद लिया था। फिर क्या हुआ? औरत चीखती रही, लोग खामोश खड़े थे, किसी ने शिकारी को नहीं रोका। आपने क्या किया? उस औरत का बाप धाड़े मार कर रोता हुआ मेरी जीप के आगे आकर खड़ा हो गया, मिन्नतें करने लगा कि हुजूर मेरी बेटी को बचा लीजिए। कौन था वो शिकारी? था एक मर्द, बेहद ताकतवर। आप जिसे मर्द कहते हैं, मैं उसे वहशी दरिंदा कहूंगी। क्यों? क्योंकि कल्चर हमें ये नहीं सिखाता कि हम क्रिमिनल्स बने। क्रिमिनल कौन नहीं है खुशबू? वहशी जानवर कहीं के। कौन? वो मर्द जो नहीं जानते प्यार किसे कहते हैं। यू आर राइट। आपने उस जानवर को पकड़ा? देर हो गई थी, वो अकेली लौट रही थी। वही औरत? हाँ वही औरत। उसके कपड़े फटे हुए थे। अच्छा। उसकी दोनों हथेलियां उसके सीने पर थी, चेहरा खामोश था, उसकी आंखों में लुट जाने के बाद का वीरानापन था। मीत, तुम्हें ये चाय बागान की नौकरी अच्छी लगती है? मुझे ये इलाका बहुत पसंद है खुशबू। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। लेकिन खुशबू, आज ये सवाल क्यों? इसलिए मीत कि मैं परेशान हूं कि हमें किस कल्चर में आ गए हैं, जहां औरतों का लूट जाना मर्दों की ताकत माना जाता है। दुनिया में ऐसा हर जगह होता है खुशबू, कहीं ज्यादा कहीं कम। मीत, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि औरत के पैर काटकर उसे बैसाखी दे दी गई हो, और जिसे मर्द जब चाहे इन बैसाखियों को ठोकर लगा देता है ताकि औरत कहीं भाग कर न जा सके? ये तो ठीक है, लेकिन ये तुम अपनी डायरी में क्या लिख रही हो खुशबू? यही कि मंजिल दूर है और मंजिल पर पहुंच कर मौत हो जाएगी। ओहो, बेवकूफों की तरह बातें नहीं किया करते खुशबू। कभी कभी बेवकूफ बनना भी कितना अच्छा लगता है मीत। ये एस्केपिस्ट की पहली स्टेज होती है, जहां आदमी दुनिया के तौर तरीकों से हट जाता है, अपने ही करीब आने लगता है वो। और जो अपने ही करीब आ जाता है, उसका दायरा दुनिया के नक्शे से कहीं बड़ा हो जाता है। एक बूंद सी लगने लगती है उसे ये दुनिया। वाह वाह, वेल सेड, वेल सेड मिसेस सुमित। हाँ, आप लॉ ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन बेवकूफी की इस डेफिनेशन से आप हमें अच्छी खासी थिंकर और फिलोसोफर भी लगी। मुबारक हो मिस्टर सुमित को ये खुशबू। खुशबू, नींद नहीं आ रही मीत। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है मीत, शायद मैं अपने अकेलेपन से उलझ गई हूं। अकेलापन? अरे हाँ। माँ बनना चाहती हो? नहीं मीत, वो बात नहीं है। माँ मैं कभी भी बन सकती हूँ। तुम एक पूरे मर्द हो मीत, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। तुम्हारी मजबूत बाहों, लोहे से तपते सीने से लगकर इस खुशबू का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। मीत, तुमसे कोई औरत जीत नहीं सकती, तुम नायाब हो मीत।
तो फिर क्या चाहती हो? मैं माँ नहीं बनना चाहती। मैं कुछ और करना चाहती हूँ। खुशबू, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मीत, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ खुशबू कि औरत मर्द का जोड़ा स्वर्ग में तय होता है। ईश्वर चाहता है औरत मर्द अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हाँ। एक दूसरे पर असीम भरोसा करें, एक दूसरे पर अपने को कुर्बान कर दें, इसी से वो खुश होता है। तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी इबादत करती हूँ मीत। तुम्हारे लिए मैं अपने को कुर्बान कर सकती हूँ खुशबू। लेकिन मीत, तुमने अपनी गर्माहट से जिस खुशबू को पिघला दिया है, वो पिघली हुई खुशबू एक दरिया बनकर जर्रे जर्रे को महका देना चाहती है, वो आफताब होना चाहती है। What do you mean? मैं लड़ना चाहती हूँ मीत। मुझसे? नहीं, अपने आप से। मैं समझा नहीं। छोड़ो, चलो सो जाते हैं। ओके। ठीक है मोना, चाय मेज पर रख दो। और देखो, मेम साहब को मत जगाना, वो अभी अभी सोई है। मैं जाग रही हूँ मीत। खुशबू, रात भर मैं न जाने कितने तूफानों से लड़ती रही कि आसमान पर लाली बिखरा गई। मोना, तुम जाओ। तुम्हें क्या होता जा रहा है खुशबू? ये तो शायद मैं भी नहीं जानती। तो फिर? कुछ नहीं। हाँ, रात तुम कह रहे थे एकांत से उबकर मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ, शायद। नहीं मीत, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि औरत पैदाइशी माँ है, वो सृष्टि की रचना के लिए ही पैदा हुई है। लेकिन मीत, मैं उससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद जाए बच्चे की ही नहीं, उन तमाम लोगों की माँ होना चाहती हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है। क्या कह रही हो खुशबू? जिनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, जिनकी अपनी आवाजें खो गई हैं, मैं उन्हें अपनी आवाज देना चाहती हूँ मीत। खुशबू, खुशबू, मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। तुम नहीं समझोगे। तुम मर्द हो ना मीत, ये सूरज का उगता गोला तुम देख रहे हो। हाँ, इसे सूरज का पृथ्वी लगातार चक्कर लगाती है, वही उसकी नियति है। नहीं मीत, यही तुम गलत हो। ये सही है कि सूरज ही पौरुष है, लेकिन पृथ्वी अपनी नियति के कारण उसके चक्कर नहीं काटती। वो सूरज के चक्कर इसलिए लगाती है कि जिससे ये पौरुष गुमराह न हो सके। खुशबू, रिलैक्स, आई से रिलैक्स। मीत, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध हुए हैं। भगवान बुद्ध भी बुद्ध होने से पहले मेरी तरह ऐशो आराम में थे। एक वृद्ध, एक बीमार और एक शव देखकर उनमें वैराग्य जाग गया और वे बोधिसत्व हो गए। लेकिन मैं हर लम्हा दुखी पीड़ितों को देखती हूँ, उन्हें देखती हूँ जो चलते फिरते हुए भी मुर्दों से भी बदतर है। आता जाता हर कोई उन्हें ठोकर मार कर जाता है, ये जिंदा लाशें उनका प्रतिकार भी नहीं कर पाती, जैसे वो हाड़ मास की नहीं बनी है। मीत, कल वो गुंडा उस औरत को यूं उठा ले गया जैसे वो कोई निर्जीव चीज हो। उसको अपनी कोई भावना ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों को कौन बचाएगा मीत? लेक्चर अच्छा है, लेकिन तुम क्या करोगी? मैंने कानून पढ़ा है। मैं इन अत्याचारियों पर चंडी होकर टूट पड़ना चाहती हूँ। खुशबू, ये लड़ाई तुम अकेली लड़ सकोगी? यदि जरूरी हुआ तो हाँ, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मीत। मेरी मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो मीत। अगर मेरे साथ लड़ नहीं सकते तो कम से कम मुझे हिम्मत तो बंधा ही सकते हो ना। तुम जानते हो मीत,
एक अकेली इंदिरा जी ने कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ाइयां लड़ी थी। उनका सहारा था सिर्फ उनका आत्मविश्वास और जन समर्थन। मेरे लिए तुम्हीं सिर्फ तुम ही सारी दुनिया हो, मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारा समर्थन। खुशबू, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ओह मीत, कितने अच्छे हो तुम। खुशबू मीत। मैडम ये लीजिए आपके भैया का पत्र। अच्छा, आपको उन्होंने याद किया है और लखनऊ बुलाया है। भैया का खत है, लाओ दो ना मुझे। भाई ऐसी भी क्या बेताबी है, अभी तो खत ही है, अगर लखनऊ चली गई ना तो इस गरीब की याद भी नहीं आएगी आपको। नो मीत। अच्छा ये बताओ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? जो आप चाहे। भाई देखो, तुम्हारी कल से जो बेचैनी है ना, उसे देखते हुए मैं समझता हूँ कि चेंज के तौर पर तुम्हारा कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना ही बेहतर होगा। अच्छा, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे भैया और माँ भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं अकेली जाऊं और तुम नहीं चलोगे? नहीं खुशबू, इस वक्त नहीं। नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। ओहो नहीं, तुम जाओ ना, यहाँ के काम खत्म होते ही मैं भी पहुंच जाऊंगा। रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से अपाते रहे जा। खुशबू, तुम्हें गए आज 3 हफ्ते हो गए हैं। ये 3 हफ्ते हमने किस तरह गुजारे हैं हम ही जानते हैं। आज तुम्हारा पहला खत मिला है, वहां पहुंचकर तुम अपनों में इतना खो गई हो कि हमारी याद भी नहीं, और तुम लिखती हो। मेरे मीत, तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजारे हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। चारों तरफ ढेर सारे लोगों के बीच घिरी रहकर भी मैं किसी सुनसान बियाबान में जैसे अकेली रही। तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी अधूरी है, कितनी एकाकी है, इसका पता अब मुझे लगा है। जी चाहता है पंख लगाकर उड़ते हुए तुम्हारे पास चली आऊं और तुम्हारी बाहों में कैद हो जाऊं। मीत, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? खुशबू, तुम पूछती हो मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करता हूं, बड़ा अजीब सा सवाल है तुम्हारा। तुम मेरी कमजोरी हो खुशबू, तुम यहां से क्या गई, मेरी जिंदगी की सारी खुशबू जैसे रूठ गई है। खुशबू कब आओगी? लौट आने को तो मैं खुद बेताब हूं मीत, लेकिन मजबूरियां भी हैं। यहां आकर मैंने वक्त बेकार नहीं गवाया, तुम मेरी प्रेरणा हो मीत। यहां मैंने यूनिवर्सिटी में बात की है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं लड़ना चाहती हूं और उस लड़ाई के लिए मुझे प्रशिक्षित होना है, सशस्त्र होना है। मैं उसी की तैयारी कर रही हूं। काश तुम होते मेरे साथ। खुशबू, तुम भविष्य से लड़ने की वहां तैयारी कर रही हो और यहां तुम्हारा वर्तमान मर रहा है। तुम भी किस भंवर में फंस गई हो, आकृति को छोड़कर प्रतिकृति के पीछे भागना चाहती हो। यहां मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम सारे जहां की जरूरतें पूरी करने के पीछे पागल हो गई हो। हामिद, मैं पागल हो गई हूं। न जाने कौन सी अंतर चेतना मुझे इस पागलपन के लिए मजबूर कर रही है। मैं अजीब हालात में फंस गई हूं। दिल मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है और दिमाग
उस अज्ञात अंतर चेतना की तरफ। देखें कौन जीतता है। कोई भी जीते, लेकिन लगता है जैसे मैं कहीं नहीं। खुशबू, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं हार तो नहीं जाऊंगा। नहीं खुशबू, ऐसा नहीं होने देंगे हम। मेरी हार तुम्हें कतई पसंद नहीं होगी, है ना खुशबू? अच्छा मीत, लेकिन हाँ, वक्त निकालकर खत जरूर लिखना। तुम्हारा हर शब्द मेरी हिम्मत बढ़ाता है, मुझे और आगे ले चलता है। तुम ही मेरे जीवन के प्रकाश स्तंभ हो। तूफानों में डोलती इस नाव को यही साहिल तक पहुंचाएगा तुम्हारी ही खुशबू। मीत, तुम्हारा पहला खत ऐसा मिला जैसा चातक को स्वाति की बूंद। मेरा दिल इतना धड़क रहा है कि मैं तुम्हारा खत भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। खुशबू, तुम्हारे जाने से यहाँ सब कुछ सूना सूना सा लगता है। मेरा खत पाकर शायद तुम्हारा दिल धड़कने लगे, किंतु ये खत टूटते दिल से लिख रहा हूँ। तुम क्या कहीं, मेरी जिंदगी की सारी खुशबू चली गई है। अब जिंदगी बेजान, बेरंग, बेखुशबू हो गई है। मीत, तुमसे जुदा होकर यह खुशबू भी हवा में बिखर गई है। उसका अपनापन न जाने कहाँ खो गया है। कभी कभी लगता है मैं भी न जाने किस जाल में फंसती जा रही हूँ। दिल कहता है एक पल गंवाए बगैर तुम्हारे पास चली आऊं। खुशबू, तुम एक ऐसे जाल में अपने आप को उलझाती जा रही हो जहां से छूटने का तरीका तुम नहीं जानती हो। तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो और उस ज्यादती की सजा मुझे मिल रही है। खुशबू, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मैंने हमेशा तुम्हारी ही खुशी चाही है, लेकिन मेरी एक सलाह है, अपने घर लौट आओ। मस्जिद में दिया जलाने से घर में उजाला नहीं होता। खुशबू, लौट आओ। खुशबू, लौट आओ। तुम्हारा ही मीत। मीत, मैं आ गई। मीत, वाह, ज़हन नसीब, लगता है किस्मत का सितारा आज जागा है। आज तो जश्न होगा खुशबू, जश्न। मीत, धीरज रखो, मैं कहीं खो तो नहीं गई थी ना? नहीं खुशबू, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारी क्या अहमियत है। तुम्हें मेरी दुनिया हो खुशबू। देखो खुशबू, अब मैं दोबारा तुम्हारी जुदाई का खतरा नहीं उठाऊंगा। इन 2 महीनों में मुझ पर क्या बीती है ना, वो मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ मीत, जो जुदाई तुमने भोगी है उसे मैंने भी भोगा है। इन 2 महीनों में मैंने जो खोया है उसे भी मैं ही जानती हूँ। कितनी रातें हमने तुम्हारे बगैर मर मर के काटी हैं वो हम ही जानते हैं। लेकिन जनाब, ये गीले शिकवे अब छोड़िए। तुम गले से लग गए, सारे गीले जाते रहे। यू आर ग्रेट माई लव, यू आर ग्रेट। अच्छा कहो, सफर कैसा रहा? पहले कार में मेरा शरीर बैठा, फिर रेल में, फिर बस में, और फिर बस खत्म। दिल तो मेरा न जाने कब से यहाँ पहुंच चुका था, शरीर बाद में आया। जैसे एयर लगेज, पैसेंजर एक फ्लाइट से तो लगेज दूसरी फ्लाइट से। मीत, एयर की बात से मुझे याद आया, मैं कुछ कहने आई हूँ। भाई अभी कुछ नहीं, जो कुछ कहना है वो कल सुबह। लेकिन आज की रात और कुछ कहने की नहीं है। ओह मीत, माई लव, माई लव।
हाँ भाई अब कहो, रात क्या कहना चाहती थी? अभी कह दो, सवेरे सवेरे। हाँ अभी, हम दोनों एकदम फ्रेश हैं। चाय तो पी लो। ओके। सुमित, मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहूँ ना? सुमित, मैं यहाँ से जाने के लिए आई हूँ। सुमित। खुशबू। सुमित। खुशबू, शायद भूकंप आ गया था। नहीं सुमित। खुशबू, जिंदगी के तार सप्तक का कोई तार टूट गया है। खुशबू, अपनी बात का सिलसिला एक लम्हे के लिए रोककर मुझे एक सिगरेट तो दो। लेकिन आपको डॉक्टर ने सिगरेट पीने से मना किया है ना? प्लीज इनकार मत करो। जी अच्छा, ले आती हूँ। लेकिन सुनो, पूरी सिगरेट नहीं पीना। हाँ हाँ कहो, तुम यहां से जाने के लिए आई हो ना? सिगरेट की तरह जो कुछ देर के लिए किसी के होंठों पर होती है। ये तर्क गलत है तुम्हारा। फिर सही बात क्या है? मीत, मम्मी नहीं चाहती कि मैं यूं ही जिंदगी जाया करूं। हो, मुझे यही शक था। मैं जानता हूं ऐसी बेहूदी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती। मीत। खैर आगे कहो, क्या चाहती हो? मम्मी चाहती हैं कि मैं खुद कुछ करूं, अपनी एजुकेशन का कुछ उपयोग करूं, इसका दूसरों को भी कुछ फायदा होने दो। ये बातें तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी माँ ने भरी हैं, है ना? तुम्हारी माँ खुद स्टेट्स में रही हैं, उनका आउटलुक ही अलग है। मीत, उन्हें तो मेरी तुम्हारी शादी भी पसंद नहीं थी। वो तो वेस्ट के ग्लैमर के कायल है ना, उन्हें ये शांत जिंदगी कैसे रास आएगी? नो मीत, ये सही नहीं है। खुशबू, आईना हटा देने से चेहरे नहीं बदल जाते, जिसकी जो सूरत होती है वही रहती है। तुम्हारी माँ ने कई बार कहा है, माय डॉटर इज रस्टिंग विद यू, आई फील सॉरी फॉर हर। क्या ये सही नहीं है? सच तो ये है कि दिमाग को जंग नहीं लगना चाहिए। मीत, लेकिन तुम्हारा सुबह सुबह चले जाना और देर शाम तक वापस न लौटना, एक लंबा खालीपन, कैद, वो तन्हाई, मैंने कभी पसंद नहीं किया। ओह, आई सी। मैंने कभी कभी महसूस किया कि कहती जाओ, मैं सुन रहा हूं। मुझे लगता था मैं सन्नाटे में घिर गई हूं, मात्र एक शो पीस होकर रह गई हूं, एक ऐसा शो पीस जिस पर तन्हाई और गुमनामी की गर्द चढ़ती जा रही है। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी मीत। लेकिन खुशबू, तुमने बहुत देर लगा दी। कहने में नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी में लौट आने में। क्या कह रहे हो? तुम सब भूल गई हो खुशबू। नहीं मीत, धुंध में डूबा हुआ शहर, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता था। फूलों से लदी वो सड़क मेरी यादों में बसी है, चमकती दूर की बत्तियां और पेड़ों के साये में छुपे हुए अंधेरे, उस पर तुम्हारा सजना संवरना, नीले नरगिसी फूल जो रातों में स्लेटी दिखाई देते थे, मैं तुम्हारे चूड़े में टाक दिया करता था, अंधेरी बलखाई पगडंडियों में तुम मेरे कंधों का सहारा लेती थी, और तुम्हारे गर्म हाथ धीरे धीरे तुम्हारा हाथ थाम लेते थे, उनमें प्यार ही प्यार था। मैं कितना खुश नसीब था। और मैं कितनी तन्हा। ओ खुशबू, तुम कितनी बदल गई हो। धीरे धीरे भूल जाओगे मीत। कि तुम बदल गई हो। मैं नहीं बदली। मैं भी नहीं बदला। वक्त बदलता जाता है। ओ खुशबू, वक्त एक भिखारी है, हर एक से वो कुछ मांगता है, उसे भीख देकर आदमी अमर हो जाता है मीत। खुशबू, शौहर से दूर होकर पत्नी अमर होना चाहती है। पत्नी तो उसी दिन अमर हो जाती है जिस दिन पति अपने हाथों से उसकी कुंवारी मांग में सिंदूर भरता है। खुशबू,
तुम्हें याद है शादी की वो सप्तपदी? 7 वचन थे जिनमें तुमने और हमने हामी भरी थी। उन 7 वादों को भूल जाना चाहती हो? उन वादों में सिर्फ मैं थी और आप थे। और पूरी बारात थी गवाही के लिए। रोशनी करते हजारों चराग थे। अंधेरे के कैनवास को रंगों में डुबोने वाली आतिशबाजियां थी। वीरानियों में अमृत की बारिश करते शहनाई की आवाज थी। सब कुछ भुला दोगी खुशबू? सब कुछ भुला करे तो कुछ याद आया है मीत। छोटा सा सुंदर सा घर, जीवन की बगिया में खेलता कोई बचपन नहीं, मेरी जिंदगी का कोई गुनाह नहीं, मेरी अच्छाइयों का कोई सवाब नहीं मीत, गुनाह नहीं सवाब नहीं, तो आखिर किस बात की सजा दे रही हो खुशबू तुम मुझे? तुम्हें उन 7 वादों का वास्ता, 7 मत छोड़ो मीत, मेरे प्यार की पनाह में ही रहो खुशबू। नहीं खुशबू नहीं, तुम नहीं जाओगे मीत। जन्म और मृत्यु के बीच शादी एक मकाम होता है, इस मकाम को मत छोड़ो खुशबू मीत, इस मकाम को मत छोड़ो। सुमित, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कुछ बोलोगे नहीं सुमित? आओ कैंटीन में बैठकर बातें करें। खुशबू, आसमान में उड़ने वाले पंछी को जमीन की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मीत, तुम्हें जो कहना है मैं यही सुन सकता हूँ। देखो मीत, यहाँ के हालात तो तुम जानते हो, अंधेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, अंधेरे ही अंधेरे हैं। हाँ मीत, कहीं बलात्कारों का आलम है तो कहीं बहुएं दहेज के लिए जल रही हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वत, गद्दारी, स्वार्थ के अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं। दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं नजर आती। हर कोई सरकार की तरफ देख रहा है। सरकार अकेले क्या करेगी? इस घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की जरूरत है मीत। मीत, मैं दूंगी ये रोशनी, अपना ही घर जलाकर। खुशबू, उसमें हम दोनों भी चलेंगे। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी मीत। नहीं भूलोगी तो अपना फर्ज भूल जाओगी। तुम्हें याद रखने का भी हक नहीं है मुझे मीत। पत्थर तोड़ते वक्त गुलाब की गंध याद नहीं रहती। अगर खुशबू तुम्हें अपनी भी खुशबू याद रही तो तुम अपना घर ठीक से नहीं जला पाओगी। सुमित, मैं रोशनी का जिक्र कर रहा था। विश में मीत, खुशबू ये अंगूठी, ये खड़ी, तुम्हारी शादी की यादें वापस देने आया था। इन्हें रख लो खुशबू, इन्हें रख लो। मैं नहीं चाहता कि कहीं कोई नाजुक धागा हम दोनों के बीच शेष रह जाए और तुम अपने मिशन से भटक जाओ। जाओ खुशबू, जाओ, मैं तुम्हें विवाह बंधन से मुक्त करता हूं। सुमित, ओके खुशबू, ओके, बाय बाय खुशबू। मीत, शताब्दी के नाम। अभी आपने ललित किशोर चौरसिया द्वारा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता थे उबैद नियाजी। प्रस्तुतिकरण सहायक तथा कलाकार थे मनमोहन भटनागर और सुरेखा ठक्कर। ये नाटक आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।